नगर पंचायत पागबड़ा से अध्यक्ष पद के लिए चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हाजी हारून इस चुनाव को लेकर आश्वस्त नजर आते हैं और उनको समाज के सभी वर्गों का समर्थन भी लगातार मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। देर शाम बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले सबसे पहले मौर्या नगर स्थित अम्बेडकर पार्क में एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया, तो वहीं देर रात्रि पागबड़ा के मोहल्ला बुद्ध बाजार में नुक्कड़ सभा आयोजित की गई, जिसमें नगीना के विधायक गिरीश चंद एवं बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता रणविजय सिंह मौजूद रहे। मुख्य अतिथियों का बहुजन समाज पार्टी यूनिट द्वारा गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया। इस दौरान बहुजन समाज पार्टी से उम्मीदवार बनाए गए हाजी हारून सैफी के समर्थन में उमड़े जनसैलाब द्वारा भरोसा दिलाया गया कि हाजी हारून सैफी को हाथी के निशान पर वोट किया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा, जीत के जाएंगे यहाँ का विकास होगा। जिस तरीके से जब ये प्रधान थे उन्होंने विकास करने का काम किया, चाहे बाजार लगाने की बात हुई, चाहे उन्हें सड़कें बनवाने की बात रही, चाहे यहाँ पर इंटर कॉलेज बनाने की बात रही, चाहे टंकी लगाने की बात रही, चाहे यहाँ पर पुलिस का शोषण को बंद करने का काम इनके समय में हुआ। लेकिन आज पुलिस का पूरा अवसर क्या है, खत्म करना चाहते हो, यहाँ पर समय व्यवस्था ठीक करना चाहते हो, यहाँ का विकास चाहते हो, यहाँ का जो टैक्स चाहे वो वाटर टैक्स है चाहे हाउस टैक्स है, तो आज के टाइम में सत्ता का चेयरमैन है तमाम गरीब लोगों पे हाउस टैक्स वाटर टैक्स लगाते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिस दिन आप 4 तारीख को जो वोट डालने जाएंगे आप जरूर गणित लगा ले। ये बारे में बता रहा था आपको, मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा, खासकर शेड्यूल कास्ट के साथियों से, के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने ये जो वोट का अधिकार हम लोगों को दिया है ये बड़े परिश्रम से दिया है, क्योंकि कुछ लोग तो ये भी नहीं चाहते थे कि हम लोगों को दलित समाज के लोगों को, पिछड़े समाज के लोगों को और मुस्लिम समाज के लोगों को वोट का अधिकार मिले, पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने बड़े कठिन परिश्रम से संविधान के अंदर हमें वोट का अधिकार दिलाया। मैं अपने दलित भाइयों से कहना चाहता हूं, मेरे दलित भाइयों, सन 2024 के अंदर आपको एकजुट होने की जरूरत है, किसी का विरोध नहीं करने की बात है। बहुत हिंदू समाज के लोग हमारे साथ में यहां हैं, मैं आज सुबह से यहां पर घूमा हूं पागबड़ा में, मैंने ये महसूस किया कि हिंदू समाज के बहुत लोग हारून प्रधान जी के साथ में जुड़े हुए हैं। आप सब लोग जितनी ताकत से उनको चुनाव लड़ा रहे हैं, मेरा मानना है कि इस ताकत को आप बढ़ाने का काम करेंगे, और जैसा मैंने देखा है, जैसा मैंने लोगों से अनजान बन के बात की है, मेरा पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि आप यहां से हारून प्रधान को नगर पंचायत पागबड़ा का चेयरमैन बनाने का काम करेंगे। मैं इस बात के साथ कि आने वाली 4 तारीख को आप हाथी के सामने, देखिए पार्टी का सबसे पहला नारा सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, जिसका मतलब होता है कि पार्टी सबके सुखों के लिए और सबके हितों के लिए काम करती है। बहुजन समाज पार्टी का सबसे जो जरूरी नारा है वो किसी एक कम्युनिटी के लिए, किसी भी एक वर्ग के लिए नहीं आता है, उसमें सब सम्मिलित करे गए हैं, इसलिए उसका सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय नारा हमेशा बहन जी ने दिया है। बसपा प्रत्याशी हारून सैफी द्वारा इस तरह अपनी बात को रखा गया है, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा सिर्फ वक्त आया था हमारा दौर आएगा। मैं 31 साल बहुजन समाज पार्टी से पहले समाजवादी पार्टी में रहा, जब टिकट का वक्त आया तो एक ऐसे इंसान को टिकट दे दिया गया, ना पार्टी से उसका कोई पुराना वास्ता था, ना ही समाज से कोई ऐसा ताल्लुक था। एक दिन पहले ही मुझे अखिलेश भैया ने दूसरी बार माइनॉरिटी सेल का राष्ट्रीय सचिव बनाया था, शायद वो इसलिए बनाया हो कि वो मुझे टिकट नहीं देना चाहते थे और मुझे राष्ट्रीय सचिव बना करके संतुष्ट करना चाहते थे। लेकिन जब मुझे ये मालूम हुआ कि मुझे टिकट न दे करके किसी दूसरे को टिकट दे दिया गया, अगले दिन मैंने पार्टी को
31 साल सेवा करने के बाद अपने हजारों ही साथियों के साथ मैंने समाजवादी पार्टी को अलविदा कह दिया और बहुजन समाज पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के मैंने इसका दामन थाम लिया। बहुजन पार्टी ने मुझे चंद घंटों में इस लायक समझा और मुझे सम्मान दिया कि पार्क बड़ा नगर पंचायत का चेयरमैन का टिकट देकर के मुझे हौसला दिया और आज यहां पर आप लोगों की भीड़ ने यह साबित कर दिया कि बहुजन समाज पार्टी यानी दलित और मुस्लिम ही इस देश में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम कर सकती है और